नाउ नेक्स्ट हमारा हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ टिक। आपकी बॉडी में भी चार तरह के टिक पाए जाते हैं, एक टाइप के नहीं चार तरह के टिक होते हैं। इसीलिए आपको बता देता हूँ, हमारी बॉडी में हम लोग कहते हैं कि वी आर हेट्रोडोंट। हेट्रो मतलब डिफरेंट एंड डोंट्स इज फॉर टिक, वो ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट डिफरेंट टिक से बना हुआ हम कहलाते हैं, इसलिए हेट्रोडोंट। काम का नहीं है, बस बता रहा हूँ, एग्जाम में नहीं आता है, कॉम्पिटिशन के हिसाब से। ठीक है, टाइप्स ऑफ टिक। इंसीजर, सबसे पहला टिक होता है इंसीजर, बिल्कुल आगे ही आगे होता है। कभी देखा बिस्किट, नोटिस किया बिस्किट को कट कैसे करते हैं, हल्के से आगे के दांत से कट होता है बिस्किट। बाइटिंग टीथ है इंसीजर, बाइटिंग या कटिंग टीथ। ठीक है, किसी चीज को कट करने के लिए, बाइट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट केनाइन, केनाइन जो है टीयर टीथ है। टीयर का मतलब क्या होता है, किसी को फाड़ देना। एक देखो आपने देखे भी चीज को, टीवी में देखा हो कभी किसी एनिमल बहुत जंगली जिसके दांत, दो दांत निकले होते हैं यूं बाहर ऐसे। ठीक है, वो दांत होते हैं बिल्कुल तीखे, वो कहलाते हैं केनाइंस, इंसीजर के जस्ट पीछे आते हैं। काम क्या होता है इनका, सिंपल सा एक ही काम होता है इनका, जो भी ऑर्गेनिज्म ये खाए उसको फाड़ना, उसको टीयर कर देना। वेजिटेरियन में थोड़ा डेवलप नहीं होते, लेकिन नॉन वेजिटेरियन में ये टीथ बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं, क्योंकि उनको तो काम ही वो करना है, समझ रहे। फिर प्रीमोलर एंड मोलर, प्रीमोलर एंड मोलर दोनों टीथ का काम एक ही होता है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। जो फूड आपने खाया उसको अच्छे से पीसना, ठीक है, पूरा पीस कर उसको बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में बना देना, सेमी सॉलिड में, ताकि आसानी से वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो सके, आसानी से आगे पास आउट हो सके। तो ये है हमारे पास चार टाइप्स ऑफ टिक, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। समझ में आया इनके फंक्शन क्या है सभी को। नाउ हमारी बॉडी में क्या होता है, जो टिक होते हैं ना वो भी दो बार आते हैं। कभी सुना हो आपने, बच्चों के थे दूध के दांत हैं, दूसरों के थे बड़ों के दांत अलग आते हैं। ठीक है, देखा है आपने कभी, जो बच्चों में दांत होते हैं ना जिनको हम बोलते हैं दूध के दांत, जो बच्चों में 5 से 6 साल तक रहते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके मिल्क टीथ। क्या कहलाते हैं, मिल्क टीथ। मिल्क टीथ के बाद जो आते हैं वो कहलाते हैं आपके परमानेंट टीथ, जो आपके डेथ तक चलते हैं, 6 साल तक की उम्र तक जो टीथ आते हैं उनका नाम क्या है, मिल्क टीथ। उसके बाद जो भी टीथ होते हैं उनका नाम क्या है, परमानेंट टीथ। ये क्लियर हुआ, फिर देखो इधर क्या यहां पर मैंने लिखा है 2102। ये चीज क्या लगती है आपका डेंटल फॉर्मूला, मतलब आपको पता लगाना हो कि कौन से बच्चे में कितने टीथ हैं, हम किसको बोले हैं कि हमारी बॉडी में कितने टीथ हैं। ये तो सबको मालूम 32 टीथ है, लेकिन उनमें चार प्रकार के ना, जैसे इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। कोई पूछ ले बताओ केनाइन कितने आपकी बॉडी में, तो मालूम होना चाहिए ना आपको, टोटल पता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक एक टीथ कितना है, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, देखो क्या बताऊ 2102 कहते हैं इसको, डेंटल फॉर्मूला है। क्या कहते हैं, डेंटल फॉर्मूला। लेकिन आप लोगों को इसको मैक्स की तरह सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व कैसे करेंगे इसको देखो, 2102 कितने हो गए, 2130 काउंट होगा नहीं, 2 5। हमारी बॉडी में चार सेट में टीथ होते हैं, एक अपर, लोअर, ये अपर, ये लोअर, हो गए चार। एक साइड की बात करो, सपोज इस साइड की बात करो, राइट साइड की, 2102, 2 इज फॉर इंसीजर, 1 इज फॉर केनाइन, 0 इज फॉर प्रीमोलर। छोटे बच्चों में प्रीमोलर टीथ नहीं पाए जाते हैं, एंड मोलर आर 2102 ये ऊपर, 2102 नीचे, हो गए एक साइड पूरा। अब दूसरी साइड सेम टू सेम, तो इंटू टू, ठीक है, काउंट करेंगे 2102 5 और ये 5 10, 10 इंटू टू 20। छोटे बच्चों में 20 टीथ होते, 32 नहीं होते, हमको तब तक ये याद था कि 32 होते। ठीक है, फिर परमानेंट काउंट करें, परमानेंट में सारे टीथ होते बराबर, 2 इंसीजर, 1 केनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 इज फोर मोलर टीथ।
कितना हुआ काउंट करो, 2 1 3, 3 2 5 और 8, 8 8, 16 16, सेम टू सेम इधर, 8 2 2, 32, परमानेंट इन 32 इन नंबर। समझ पा रहे क्या बात कर रहा हूं यहां पे? याद आपको रखना है मिल्क डे तक 20 नंबर, परमानेंट का 32 इन नंबर, ठीक है? कंपटीशन में भी आता है और आपके स्कूल एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। आपको समझ में क्या बोला यहाँ पे? डेंटल फॉर्मूला, मिल्क डे एंड परमानेंट, ठीक है? यहां तक इसको नोट करेंगे पहले आप। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टर्म। हमने टेंथ के बारे में पूरा पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे हमारे टर्म के बारे में। क्या होता है इसको ध्यान से देखेंगे। टर्म इज ए मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर मतलब ये सिर्फ मसल से बनी हुई होती है, इसके अंदर कोई भी बोन पाई नहीं जाती है। और टर्म कंसिस्ट ऑफ ओनली मसल्स नॉट बोन्स, ठीक है? फिर अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। देखो यह वाली बकल कैविटी, ये जो पीछे की साइड है ना, ये यहां पर नीचे से अटैच होती है, आगे से फ्री होती है। आगे से आप उसको कहीं भी घुमा सकते हो, लेकिन पीछे से ये अटैच होती है। वही बात बोल रही है, अटैच एट द बैक, ये पीछे की साइड, टू द फ्लोर। फ्लोर मतलब ये नीचे की साइड है ना, फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। इट इज फ्री फ्रॉम फ्रंट एंड कैन बी मूव इन ऑल डायरेक्शन। फ्रंट से फ्री होती है, किसी भी डायरेक्शन में मूव ये कर सकती है। द टर्म हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। हमारा जो सलाइवा है उसके साथ हमारे फूड को मिक्स करने का काम भी कौन करता है? टर्म। मतलब टर्म उसमें हेल्प करता है, ये नहीं कहेंगे कि टर्म ही करता है, टर्म उसमें हेल्प करता है। फिर पुशिंग एंड स्वेलोइंग द फूड। आपने जो फूड खाया है उसको आगे धक्का देना पड़ेगा ना, ताकि अंदर फूड पाइप पर जा सके। वो उसको धक्का देने के लिए आपकी जो टर्म है वो भी बहुत हेल्प करती है। धक्का देना और उसको स्वेलो करना, उसको निगलने के लिए, ठीक है? फिर क्या करता है फूड पाइप? फूड पाइप या फिर एक और नाम होता है इसका ईसोफेगस, हम पढ़ेंगे आगे पूरा। इसमें हमारे खाने को बकल कैविटी से फूड पाइप के अंदर ले जाने का काम करती है, ठीक है? फिर एंड गेटिंग डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। आपको जो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करने पड़ते हैं टेस्ट फूड के, कौन सा मीठा है, कौन सा तीखा है, ये सब आपको टंग की मदद से मालूम पड़ते हैं। हमारे टंग के ऊपर कुछ छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। बर्ड्स मतलब ये ऐसे छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, ये इन होल्स के अंदर जब आपको फूड इंटर करता है, टच करता है, तो वो पता लगाते हैं कि ये कौन से टेस्ट का फूड है। देखो कहां कहां पर होते हैं, आपकी टंग कड़ाएगा सबसे ऊपर आपको देखना पीछे की साइड, ये बिल्कुल यहां तक बिटर कड़वा टेस्ट, यहां पर खाना क्या कोई कड़वे टेस्ट का मालूम पड़ेगा। फिर सॉर खट्टा कहां होता है, ये कॉर्नर्स देखते हैं, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर। सॉल्टी नमकीन, ये इसके सॉर के थोड़ा नीचे और इस साइड। स्वीट ये हमारे टिप पे होता है, आगे की साइड सबसे आगे की टिप, सबको मालूम पड़ जाता है कौन सी चीज मीठी है कौन सी नहीं। समझ पा रहे इस डायग्राम से पूरा और टंग के बारे में पूरी सब कुछ चीज क्लियर हो रही, ठीक है? नोट करो इसको। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सलाइवरी ग्लैंड्स। कहां प्रेजेंट होती है, आपकी बकल कैविटी में या फिर आपके माउथ के अंदर। क्या फंक्शन करती है सलाइवा को सिक्रीट करने का काम करती है। ये तीन पेयर्स में पाई जाती है। क्या बोला मैंने, थ्री पेयर्स, मतलब टोटल कितनी हो गई, सिक्स। टोटल छह होती है सलाइवा ग्लैंड आपके माउथ में। एक एक साइड की बात करते हैं ना, एक होती है कान के, एक होती है ये नीचे बिल्कुल, और एक होती है आपके टंग के जस्ट नीचे। ये तीन प्रकार के ग्लैंड्स होती है, तीन टाइप की, इस साइड की, इस साइड की, हो गए छह। तो ये आपको नाम इनके याद नहीं रखने, ना तीन चार कुछ याद नहीं रखना है, बस आपको बता रहा हूं सलाइवा की इतनी होती है। काम होता है सलाइवा को सिक्रीट करना। अब वो अच्छे से पढ़ते हैं, प्रोड्यूस सलाइवा, सलाइवा को प्रोड्यूस करता है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है एंजाइम जिसका नाम है अमाइलेज। इसका पूरा नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज, लेकिन आप लोग इतना याद रखें अमाइलेज तो भी चलेगा।
एन एंजाइम प्रेजेंट इन अवर सलाइवा अमाइलेज। एंजाइम क्या होता है? एक तरह का केमिकल होता है, ठीक है। अमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। जो अमाइलेज होता है वो आपकी बॉडी में जितना आपने स्टार्च खाया है, जितना भी फूड खाया है, उसको सिंपल शुगर में तोड़ देता है, उसको सिंपल शुगर में तोड़ देता है ताकि उनका डाइजेशन अच्छे से हो सके। स्टार्च को समझने अच्छे से हो तो यह है, स्टार्च आर कार्बोहाइड्रेट्स। बनाया करें सबसे पहले डाइजेशन किसका स्टार्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। सलाइवा मेक्स द फूड वेट एंड स्लिमी। हमारा सलाइवा जो हमारे फूड को वेट गीला कर देता है और स्लिमी मतलब चिकना बना देता है ताकि आसानी से वो हमारे फूड पाइप से स्टमक तक आसानी से पहुंच सके और आगे उसके डाइजेशन की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो सके बिना किसी फ्रिक्शन के, अच्छे से वो चला जाए। तो समझ पा रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती है और क्या क्या उसके फंक्शन होते हैं, ठीक है। नोट करो इसको।